सोलन के व्यापारी जहां बीते वर्षों में त्योहारों पर खुश नजर आते थे, आज उनके चेहरों पर से खुशी गायब हो चुकी है। दुकानें जो पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, आज बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी हैं, जिसके चलते व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। ये हाल केवल एक मार्केट का नहीं बल्कि सोलन शहर के करीब सभी बाजारों का यही हाल है। दुकानदार जो पिछले काफी दशकों से व्यापार कर रहे हैं, उनकी माने तो उन्होंने पहली बार इतनी ज्यादा मंदी का सामना किया है। सोलन के व्यापारी जहां बीते वर्षों में त्योहारों पर खुश नजर आते थे, आज उनके चेहरों पर से खुशी गायब हो चुकी है। दुकानें जो पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, आजकल बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी हैं, जिसके चलते व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। ये हाल केवल एक मार्केट का नहीं बल्कि सोलन शहर के करीबन सभी बाजारों का यही हाल है। दुकानदार जो पिछले काफी दशकों से व्यापार कर रहे हैं, उनकी माने तो उन्होंने पहली बार इतनी ज्यादा मंदी का सामना किया है। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से व्यापार लगातार घट रहा है, रोजगार के साधन घट रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो उन्हें अपना पुश्तैनी व्यापार भी बंद करना पड़ सकता है। व्यापारियों ने भारी चिंता के साथ मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी और बताया कि जो चहल पहल पहले त्योहारों पर होती थी, वो नजर नहीं आ रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोगों की त्योहारों पर रुचि कम हो गई है और वे या तो खरीदारी नहीं कर रहे हैं या वे ज्यादातर ऑनलाइन ही सामान मंगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में उन्हें घर चलाना बहुत मुश्किल हो चला है, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वे जल्द ही इस मंदी से निपटने के लिए कोई कारगर योजना बनाए, अन्यथा सब कुछ चौपट हो जाएगा। यार दिवाली देखो, हमारे लिए तो दिवाली वाला कोई बेनिफिट हमें मिल नहीं रहा इस टाइम। कस्टमर है नहीं बाजार में, बहुत ही बुरी मतलब स्थिति से इस टाइम बाजार में ये लगा लो कस्टमर है ही नहीं, सारा कस्टमर ऑनलाइन की वजह से ख़त्म है। तो आगे तो फ्यूचर हमें बिल्कुल ख़राब लग रहा है, कुछ दिख नहीं रहा अभी तो। प्रदेश सरकार को भी कुछ करना चाहिए, मतलब ये लगा लो कि इतने बुरे हालात हमने आज तक नहीं देखे जब तक जो इस टाइम देख रहे हैं। ये लगा लो आपकी मतलब सारा कस्टमर ऑनलाइन की तरफ है, तो हमारा छोटा सा आपको पता है हिमाचल है, उसमें जो जनता है उस हिसाब से जो अर्निंग सोर्स हैं उस हिसाब से हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे इस टाइम। बहुत बहुत बुरा हाल है सर, क्या कहें। ऑनलाइन बंद होना चाहिए सर, कम से कम छोटी इनमें तो ऑनलाइन को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लगा लो ना हम उनसे कॉम्पीट कर सकते हैं किसी हिसाब से, बन नहीं रहा क्योंकि उनका सिस्टम अलग है, डुप्लीकेट भी आ रहा है उसमें सब कुछ, पता नहीं सर अब कोई समझ नहीं आ रहा मतलब क्या करें। ये तो घर में आजकल तो रोटी खाने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है, लगा लो क्या करें, इतना बुरा हाल है मार्केट का। बिल्कुल भी क्रेज नहीं है, हमें तो लग ही ना कि फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं, नॉर्मल डेज की तरह क्राउड है, नॉर्मल डेज की तरह भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी क्रेज नहीं है लोगों में, फेस्टिवल वाला कोई वो नहीं है। हमें खुद को फील नहीं आ रहा कि हम फेस्टिवल्स चल रहे हैं, क्राउड बिल्कुल आपके सामने कोई भी क्राउड नहीं है। 1 o'clock हो गया है पर कोई भी मार्केट में अभी तक कस्टमर नहीं आया, कहीं पे भी क्राउड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो है मार्केट। ऑनलाइन शॉपिंग ने और ज़्यादा इसमें अच्छा रोल अदा कर दिया है कस्टमर्स को साइडलाइन करने के लिए, बट हमें बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं। टू इयर्स से मतलब फेस्टिवल का क्रेज़ बिल्कुल नहीं रहा है लोगों में, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आज जैसे आज भी एक फेस्टिवल है पर कोई लेडीज़ में भी कोई क्रेज़ नहीं है, मतलब सबको ये होता है कि चलो पुराने कपड़े डाल के फेस्टिवल निकाल लेते हैं। पर 5 ईयर मुझे 12 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, मतलब पहले लोगों में ऐसे क्रेज़ था कि फेस्टिवल आ रहा है हमें नया कपड़ा लेना है, नया सब कुछ नया पहनना है, पर अब कोई क्रेज़ ही नहीं है लोगों में, बिल्कुल भी नहीं है, हमें खुद को फील नहीं आ रहा फेस्टिवल्स का।